हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू से एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब का 5वां चैप्टर पर्वत प्रदेश में पावस। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आपका पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, जब वहाँ पर बारिश होती है तो कौन कौन सा जो परिवर्तन है वो दिखाई देता है, कविता के आधार पर आपको बताना है, स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, जो नीचे लिखे गए हैं ये सारे परिवर्तन पर्वतीय प्रदेश में आते हैं जब वहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल नया वेश धारण करती दिखाई देती है। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में ऐसा लगता है प्रकृति जो है हर पल अपना नया वेश धारण कर रही हो। विशाल आकार वाला जो पर्वत है वो तालाब के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। तो जो पर्वत है उसके नीचे क्या है, तालाब है, और जो पर्वत है उसकी परछाई तालाब में दिखाई देती है। तो जो कवि है वो कल्पना कर रहा है कि जो पर्वत है विशाल आकार का वो क्या कर रहा है, स्वच्छ जल में तालाब के अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो यहाँ पर जो तालाब है उसको दर्पण के समान दिखाया गया है। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं, तो वर्षा ऋतु में पर्वत पर क्या होता है, बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। और झरनों का जो पानी है मोती की लड़ियों के समान सुशोभित होता है। तो ऊंचे वृक्ष क्या करते हैं, आकाश की ओर एकटक देखते हैं। बादलों के छा जाने से जो पर्वत है वो अदृश्य हो जाता है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में जो बादल होते हैं काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बादलों के छा जाने से जो पर्वत है वो कहीं खो गया हो, छिप गया हो, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ताल से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो आग लग गई हो। तो चारों तरफ क्या होती है, धुंध छा जाती है। तालाब से जो धुआं उठता है, जो ये धुंध छाई होती है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो उसमें आग लग गई हो। और आकाश में तेज़ी से इधर उधर घूमते हुए जो बादल हैं वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। तो जो वर्षा की ऋतु होती है उसमें क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश में इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान। तो करधनी क्या होता है, जो स्त्रियाँ होती है, महिलाएँ होती है, उनकी कमर में पहनने का एक आभूषण है, ये कटी भाग में पहना जाता है। मतलब जो कमर होती है वहाँ पर जो महिलाएँ होती हैं इसको पहनती हैं। तो पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा है, तो जो पर्वत है वो भी करधनी के आकार का लग रहा है, जैसे इसने पूरे पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। तो जो पर्वत है चारों तरफ फैला हुआ है, बीच में मैदान है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्वत है उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। जैसे करधनी होती है तो जब कमर में पहनते हैं तो क्या होता है, पूरी कमर को अपने घेरे में ले लेती है, उसी तरह जो पर्वत है वो ऐसा लग रहा है, कवि की कल्पना है, जैसे उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। तो कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। तो कवि ने जो करधनी शब्द का प्रयोग है वो पर्वत की जो विशालता है उसका जो फैलाव है वो इतने ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर करधनी शब्द का प्रयोग किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, सहस्र दृक सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। सहस्र दृक सुमन, सहस्र मतलब हजारों, दृक माने होता है आँखें, सुमन माने पुष्प मतलब फूल, तो हजारों पुष्प रूपी आँखें। तो कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। तो वर्षा काल में क्या होता है, पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में फूल खिल जाते हैं। तो कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आँखों की कल्पना की है, मानवीकरण किया है। तो कवि क्या करते हैं, जो पुष्प है उसको ही जो पर्वत है उसकी आँखें मान लेते हैं। तो पर्वत अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में पुष्प रूपी नेत्रों के माध्यम से क्या कर रहा है, अपने सौंदर्य को निहार रहा है। तो कभी इसके माध्यम से पर्वत का मान भी कर फूलों के सौंदर्य को चित्रित करना चाहता होगा। तो कभी यहाँ पर जो सहस्र दृग सुमन मतलब हजारों पुष्प रूपी आँखें हैं
उसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो पर्वत है वहाँ पर हजारों की संख्या में फूल खिले हैं और जो ये पर्वत रूपी आँखें हैं उससे वो पर्वत क्या कह रहा है, नीचे बहते हुए तालाब में अपना जो रूप सौंदर्य है, अपनी जो विशालता है उसको निहार रहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, शीशे के साथ दिखाई है। तो कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल कैसा है, अत्यंत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। तो हम क्या करते हैं, जब शीशे में अपना रूप देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हमारा क्या होता है, शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह जो जो पर्वत है उसका प्रतिबिंब भी कहाँ दिखाई दे रहा है, तालाब में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शीशे के समान प्रतीत हो रहा है तालाब। तो जो कवि हैं उन्होंने तालाब की समानता जो है दर्पण के साथ यहाँ पे दिखाई है, जो कि बिल्कुल ठीक उन्होंने दिखाई है, बिल्कुल उचित है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देखकर उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, मानो वे अपनी किसी उच्च आकांक्षाओं को पाने के लिए उसे देख रहे हों। तो यहाँ पर जो पर्वत हैं उस पर क्या है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो कवि की कल्पना है कि जो ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो क्या है, पर्वत की महत्वाकांक्षाएँ हैं, ऊंची आकांक्षाएँ हैं। जैसे मनुष्य की ऊंची ऊंची क्या होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, हम ये करें वो करें, उसी तरह जो पर्वत है उसके हृदय से जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष उठ रहे हैं, लगे हुए हैं, तो जो कवि हैं वो कल्पना यही कर रहे हैं कि ये क्या है, पर्वत की ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, उच्च आकांक्षाओं को पाने के लिए वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो वो बिल्कुल मौन रहकर स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं। तो जो ये वृक्ष हैं बिल्कुल मौन है, स्थिर हैं, फिर भी हमें कोई ना कोई संदेश दे रहे हैं कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि जो है वो अपने लक्ष्य की ओर रखनी चाहिए, और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनको पाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? तो शाल के वृक्ष जो हैं वो डर के मारे पृथ्वी में क्यों धस गए? तो कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। तो जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, जब वहाँ पर वर्षा का मौसम होता है तो बादल बहुत नीचे आ जाते हैं और जो पर्वत है वो भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ धुंध छा जाती है। तो जो वर्षा है काफ़ी तेज़ है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जो पर्वत है वो ऐसा लग रहा है कि जो बादल हैं उसमें ढक गया हो, बादलों के पंख लगाकर उड़ गया हो, वो दिखाई नहीं देता, चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने ये सब क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष क्या होता है, भयभीत होकर धरती में धंसे हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे पृथ्वी के अंदर चले गए, बल्कि जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है शाल के वृक्ष हैं वो काफ़ी डर गए हैं इन सारी चीज़ों को देखकर, और वो दिखाई नहीं दे रहे। तो जो कवि हैं वो यही कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डर के मारे जो शाल के वृक्ष हैं वो धरती के अंदर धस गए हों, धसे हुए प्रतीत होते हैं। आपका जो सातवां क्वेश्चन है और जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरनों की तुलना किससे की गई है? तो बहते हुए झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। तो जो पर्वत से क्या होता है, झरने निकलते हैं, झर झर के बहते हैं। तो जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो बहते हुए झरने हैं वो पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरने की तुलना किससे की है, मोतियों की लड़ियों से की है। तो पहाड़ों से निकलने वाले झरने, झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो वे झरझर की ध्वनि करते हुए पर्वत की महानता का
गुणगान कर रहे हैं। तो यह जो झरने हैं वो उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो जो झरने हैं जो पर्वत से निकलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ियां हो, और जब झरझर झरझर करके जो बहते हैं झरने, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो पर्वत की विशालता का गौरव गान कर रहे हैं, उनकी जो महानता है उसका गुणगान कर रहे हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।